माई फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज इस वीडियो में हम एक और इकोनॉमिक टर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है ये। आप रोज डेली इस टर्म यूज़ करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बार्टर सिस्टम की। क्या होता है ये बार्टर सिस्टम? देखिए, आज से प्री मॉडर्न एरा की अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक तरीके से बार्टर सिस्टम का खुल्लम खुल्ला बहुत ही एक्सटेंसिव स्केल पर यूज़ होता था। वो क्या है आखिरकार बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम कुछ और नहीं है, यहाँ पर जो एक्सचेंज होता है ना वो गुड्स का, गुड्स के साथ होता है। मान कर चलिए पहले क्या होता था, अगर मैं एग्जांपल लूँ हड़प्पन सभ्यता का, तो हड़प्पन सभ्यता में क्या होता था कि जो ट्रेड सिस्टम हुआ करता था, जैसे कि गेहूं चावल के बदले पल्स वगैरह इंपोर्ट करे जाते थे, जो मेसोपोटामियन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन उनके साथ ट्रेड करी जाती थी गुड्स के बदले गुड्स। जैसे कि आज के समय भी हम जो है ना अपने बहन भाइयों के साथ ये करते हैं, एक रोटी के बदले रोटी या फिर ऐसी चीज़ें भी होती हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं असलियत में बार्टर सिस्टम, इसी को बोलते हैं। अब सिंपली हम जब हम इसके प्रैक्टिस में नहीं होता, हम प्रैक्टिस तो करते हैं मगर हमको जब इस टर्म का पता नहीं होता, देन हाउ कैन वी नो, हमें कैसे पता चले कि इसी को बार्टर सिस्टम बोलते हैं? यहां पर जो मोड ऑफ एक्सचेंज आज हम यूज करते हैं ना, जैसे कि मनी हो गए किसी चीज को खरीदने के लिए, तो हम यहां पर मनी का यूज करते हैं। पहले क्या होता था कि ये सारी चीजें नहीं थी, मगर आज भी ये सारी चीजें प्रिवेल हैं। वो कैसे? आप अगर किसी भी दुकानदार के पास सामान लेने जाते हैं, आपने जो ना 100 रुपए की चीनी खरीदी, ठीक है, तो वहां पर चीनी निकली है गीली, तो वहां पर आप क्या करेंगे, चीनी के बदले कुछ और सामान लेंगे, या फिर आपने कोई और सामान खरीदा और वो खराब निकल गया, उसके बदले कोई और सामान आपसे कहता है वो जो दुकानदार है कि आप जो ना इसके बदले दूसरा सामान ले लीजिए, तो वो होता है बार्टर सिस्टम। मगर उससे पहले अपने एक मोड ऑफ एक्सचेंज का यूज कर ले, दैट इज द मनी। मगर बार्टर सिस्टम तो आपको समझ में आ गया ना, तो यही होता है बार्टर सिस्टम। सिंपली हम इसे जो है ना मोस्टली जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं और आज की जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं वहाँ पर भी ये सिस्टम काफ़ी एक्सटेंसिव स्केल पर यूज़ होता है, बट समटाइम्स वी If we are not aware of it, तो हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और हम पहचान ही नहीं पाते कि यही बार्टर सिस्टम है। तो असलियत में बार्टर सिस्टम यही होता है कि गुड्स के बदले गुड्स, ठीक है, तो यही सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर ये जो बार्टर सिस्टम है मोस्टली जब प्रैक्टिस करा जाता है, अगर एक मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमी या फिर इकोनॉमी है तो वहाँ पर अगर हाइपर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की कंडीशन आ जाती है ना, तो वहाँ पर भी उस समय पर बार्टर सिस्टम ही प्रैक्टिस में आने लगता है। धीरे 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 हम बार्टर सिस्टम का प्रयोग करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर गुड्स के बदले गुड्स है या फिर गुड्स के बदले सर्विसेज। मान कर चलिए, यहाँ पर एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मान कर चलिए कि एक फार्मर है जो गेहूं उगा रहा है, मैं चावल उगा रहा हूँ, और तीसरा है जो जूता बना रहा है, ठीक है। अब मान कर चलिए यहाँ पर कि अब यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि हम 3 जने हैं, ठीक है। अब मुझे जूते की भी ज़रूरत है, मैं तो चावल उगा रहा हूँ, आप गेहूं उगा रहे हैं, ठीक है, और जो तीसरा है वो जूता उगा रहा है, और मुझे जूते की भी ज़रूरत है, गेहूं की भी ज़रूरत है, मुझे दोनों चीज़ चाहिए, तो मैं आपको जो ना दोनों को चावल दे दूंगा और जूता और गेहूं अपने पास आपसे खरीद लूंगा उसके बदले, चावलों के बदले, ठीक है। अब आप गेहूं उगा रहे हैं तो गेहूं के बदले आपको चावलों की भी ज़रूरत पड़ेगी खाने के लिए, ठीक है, और जूते की भी ज़रूरत पड़ेगी पहनने के लिए, अपने पैरों की सेफ्टी के लिए, तो वहाँ पर आप गेहूं के बदले चावल और क्या जूता लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज। अब मानकर चलिए आप कहीं पर जा रहे हैं, आपने ये करा कि आज के समय में आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो जब हार्वेस्टिंग होती है ना गेहूं और चावलों के, तो वहाँ पर जो है ना कुछ लेबरर्स को वहाँ पर काम पे लगाया जाता है, तो लेबर्स जो है ना गुड्स के बदले सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, वो एक बोरी अनाज या 2 बोरी अनाज के बदले पूरा का पूरा जो गेहूं का खेत है उनको काटती हैं। तो ऐसे ही बार्टर सिस्टम आज भी प्रैक्टिस होता है ऑल ओवर इंडिया और अदर जो कंट्रीज हैं वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें आज भी प्रैक्टिस करी जाती हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम था बार्टर का, ठीक है। चलिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी। आगे और इकोनॉमी के जो इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है, और वीडियो कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो एक और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद।